हेलो, वेलकम बैक टू फूडी स्नेहा। मैं हूँ स्नेहा और आज की हमारी रेसिपी है पनीर कोफ्ता या मलाई कोफ्ता। बहुत ही इजी रेसिपी है, बहुत ही टेस्टी होती है, लेकिन बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि इसे बनाना बहुत टफ है, कोफ्ते सही से नहीं बनेंगे या ऑयल में फ्राई करते समय फट जाएंगे। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, अगर आप स्टेप बाई स्टेप प्रोसेस को फॉलो करेंगे तो आपके कोफ्ते बहुत ही अच्छे बनकर तैयार होंगे। तो चलिए हम इसके इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं। और रेसिपी स्टार्ट करने से पहले मैं हमेशा की तरह आपसे कहना चाहती हूँ, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए। यहाँ सब्सक्राइब बटन ऐसे क्लिक करेंगे, फिर आपको बेल आइकन दिखाई देगा, उसे भी क्लिक करेंगे तो मेरे वीडियोज की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगी। तो चलिए हम अपने कोफ्ते बनाना स्टार्ट करते हैं। तो चलिए देखते हैं पनीर के कोफ्ते बनाने के लिए क्या क्या चाहिए। यहाँ हमने पनीर लिया है जिसे कद्दूकस कर लिया है। आप चाहें तो इसे हाथ से ऐसे भी मैश कर सकते हैं। दो बड़े आलू हैं जिन्हें बॉईल करके मैश कर लिया है। 4 से 5 चम्मच मैदा, 7-8 काजुओं को बारीक तोड़ लिया है, 1 इंच अदरक का टुकड़ा और 2 हरी मिर्च को बारीक काट लिया है, धनिया का पत्ता। सूखे मसाले हम कोफ्ता और ग्रेवी दोनों के लिए यूज़ कर लेंगे, देख लेते हैं। 1 चम्मच लाल मिर्च, 1 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच कसूरी मेथी, 1/2 छोटे चम्मच जीरा, 1/2 छोटे चम्मच गरम मसाला और 1 चम्मच धनिया। नमक हम टेस्ट के अकॉर्डिंग लेंगे। ऑयल लेंगे सब्जी के लिए। सूखे खड़े मसालों में 2 बड़ी इलायची, 2 स्टिक दालचीनी के, 6-7 लौंग के दाने, जावित्री थोड़ी सी, 8-10 कबाब चीनी, शाहजीरा 1 चम्मच, छोटी इलायची 2 और 2 तेज पत्ते लिए हैं। यहाँ हमने अमूल बटर लिया है, 1 इंच अदरक का टुकड़ा और 6-7 लहसुन की कलियाँ ले ली हैं, 2 बड़े प्याज बारीक काट लिए हैं और 2 टमाटर बारीक काट लिए हैं। यहाँ 2 बड़े चम्मच हमने मलाई ली है। एक छोटा चम्मच चीनी का और 8-10 काजू हमने ले लिए हैं जिन्हें आधे पर से तोड़ लिया है, और धनिया पत्ता गार्निशिंग के लिए लिया है इस तरह से। आप चाहें तो कसूरी मेथी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं गार्निशिंग के लिए, और पानी ग्रेवी के लिए लिया है। तो चलिए अपने कोफ्ते बनाना शुरू करते हैं। कोफ्ते बनाने के लिए सबसे पहले हम एक मिक्सिंग बाउल लेंगे जिसमें हम पनीर डाल देंगे। अब इसमें हम उबले हुए आलू डालेंगे और इन दोनों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें डालेंगे धनिया पत्ता, अदरक और हरी मिर्च, काजू जो हमने तोड़कर रखे थे, और 4 चम्मच मैदा। सूखे मसालों में डालेंगे हम लाल मिर्च 1/2 छोटी चम्मच, 1/2 छोटी चम्मच धनिया पाउडर, 1/2 छोटी चम्मच गरम मसाला, नमक हम टेस्ट के अकॉर्डिंग डालेंगे। मिक्स कर लेते हैं इसे। इसे मिलाने के लिए आप हाथ का यूज ही करें जिससे कि ये अच्छे से मिक्स हो जाएगा और इसे एक डो के जैसा बना लेना है। मैदा डालते समय ये बात ध्यान रखें कि मैदा थोड़ा थोड़ा करके ही डालें, एक साथ ज़्यादा मैदा ना डाल दें, नहीं तो आपका डो बहुत कड़ा हो जाएगा और कोफ्ते बनने के बाद कड़े हो जाएंगे। इसे एक हल्का डो बनाना है, बहुत सख्त डो नहीं बनाना। तो मिक्स कर लेते हैं इसे अच्छे से। ये देखें, इस तरह से हाथ में इसको घुमाते हुए इसके गोले बना लेंगे तो चिकना कोफ्ता तैयार हो जाना चाहिए। ये देखें इस तरह से बनेगा ये। तो चलिए अपने कोफ्ते बना लेते हैं। कोफ्ते बनाने के लिए नींबू के साइज का एक हम डो का हिस्सा लेंगे और उसे हाथ पर इस तरह से घुमाते हुए गोल बना लेंगे। कोफ्ते बनाते समय ध्यान रखने वाली बात यह है कि आपके कोफ्ते बिल्कुल चिकने बनने चाहिए, उसमें कहीं से भी क्रैक नहीं होना चाहिए।
ये देखिए इस तरह से बना लेना है हमें। इसी तरह से हम बाकी कोफ्ते भी बना लेंगे। हल्के हाथ से घुमा घुमा कर इसे चिकना करेंगे। ये देखिए इस तरह से कोफ्ते आप चाहें तो गोल या लंबे किसी भी शेप के बना सकते हैं। ये देखिए हमारे कोफ्ते बन के तैयार हैं, एकदम चिकने कोफ्ते बने हैं। कोफ्तों को फ्राई करने से ठीक पहले हम इसे मैदे में इस तरह से कोट कर लेंगे। मैदा सूखा ही लेंगे हम, सूखे मैदे में पहले कोफ्तों को इस तरह से घुमा घुमा कर अच्छे से कोट कर लेंगे। सारे कोफ्तों पे हमें ऐसे ही करना है। हल्के हाथ से घुमाएं, आपको इस समय घुमाते समय कोफ्तों को तोड़ ना दें, बहुत हल्के हाथों से इसे घुमा घुमा कर करना है। ध्यान रहे कि कोफ्ते का कोई भी हिस्सा इस कोटिंग से छूट ना जाए। ये देखिए हमारे कोफ्ते सब कोट हो चुके हैं। ये देखिए हम मैंने डीप फ्राई करेंगे तो ऑयल गर्म होने के लिए रख देते हैं। तेल हमारा गर्म हो गया है, इसमें हम कोफ्ते फ्राई कर लेंगे। केयरफुली डालें कोफ्तों को इसमें, एक बार में 5 से 6 कोफ्ते डाल देंगे आप। इन्हें फ्राई करते समय एक बात ध्यान रखने वाली है कि आप तुरंत इसे चलाएं नहीं, थोड़ा सा सिक जाने के बाद इसे कलछी से या स्पैचुला से साइड से चलाएंगे, कभी भी उसके एजेस को कोफ्तों से टच नहीं कराएंगे। ये कोफ्ते बहुत ही सॉफ्ट होते हैं, तो अगर आप कलछी या स्पैचुला के एज से इसे चलाएंगे तो ये टूट जाएंगे। हल्के हाथ से इसे साइड से हिलाते हुए गोल्डन ब्राउन कर लेंगे। ये देखिए इसे हम निकाल लेंगे अब, और सेम इसी प्रोसेस से हम बाकी के कोफ्ते भी तैयार कर लेंगे। इन्हें भी उसी तरह से साइड से हिलाते हुए चलाएंगे और चारों तरफ से गोल्डन ब्राउन कर लेंगे। ये देखिए ये हो गए हैं, इन्हें भी निकाल लेते हैं। ये देखिए कोफ्ते बनकर तैयार हैं। अब दूसरे पैन में हम बटर डालेंगे, बटर के साथ थोड़ा सा ऑयल ताकि हमारा बटर जले नहीं। बटर गर्म हो जाने पे इसमें डालेंगे हम जीरा, क्रैकल करेंगे इसे और खड़े गरम मसाले डाल देंगे। इन्हें भी हल्का सा भूनकर फिर इसमें हम डालेंगे जिंजर और गार्लिक। थोड़ा सा भून लेते हैं इसे और फिर हम डालेंगे इसमें अनियन। अनियन को हमें ब्राउन नहीं करना है, जस्ट हम इसे स्लाइटली पिंक करेंगे और ये जल्दी हो जाए इसके लिए हम इसे कवर कर देंगे। ये देखिए हमारे अनियन हो गए हैं, अब हम इसमें डाल देंगे टमाटर, मिक्स कर देते हैं इसे। काजू डाल देंगे, कवर कर देंगे। एक बार फिर मिक्स करके इसमें हम कसूरी मेथी डालेंगे और फिर से कवर कर देंगे ताकि टमाटर गल जाए। ये देखिए टमाटर हमारे गल गए हैं, तो हम हीट बंद कर देंगे और इसे ठंडा होने देंगे। मसाले हमारे ठंडा हो गए तो इसे जार में निकाल कर ग्राइंड कर लेंगे।
ग्राइंड करने से पहले मसालों में से तेज़पत्ता बिल्कुल निकाल दें आप, क्योंकि अगर तेज़पत्ता पिस गया तो बहुत ही कड़वा टेस्ट आएगा जो कि अच्छा नहीं है। तो उसे अलग निकालते हैं और बाकी मसालों को ग्राइंड कर लें, स्मूथ पेस्ट बना लें। ये देखिए पेस्ट हमारा तैयार है। अब इसे हम स्ट्रेनर की हेल्प से छान लेंगे। छानने से हमें बिल्कुल स्मूथ पेस्ट मिल जाएगा, थोड़ा सा भी दरदरापन नहीं होगा। पानी डाल लें इसमें थोड़ा करने के लिए। काफ़ी गाढ़ा होता है ये, तो स्ट्रेन करने में दिक्कत हो तो आप थोड़ा पानी ऐड कर सकते हैं इसमें। ऐसे चम्मच से चलाते हुए इसे छान लें। ये देखिए हमारा पेस्ट बिल्कुल तैयार है। अब सेम पैन में हम बटर और ऑयल फिर से डालेंगे। गरम कर लेंगे इसे। गरम हो जाने पर इसकी हीट एकदम लो कर देंगे, क्योंकि हमें इसमें सूखे मसाले भूनने हैं। हीट लो हो जाने पर जब ऑयल हमारा नॉर्मल टेम्परेचर पे आ जाएगा तो हम इसमें डालेंगे रेड चिली पाउडर, हल्दी पाउडर, गरम मसाला पाउडर, धनिया पाउडर। मसालों को अच्छे से भून लेंगे और हीट को हम लो ही रखेंगे, क्योंकि इसमें हमने पानी बिल्कुल भी नहीं डाला है या कोई भी लिक्विड नहीं डाला है साथ में। अगर हीट हमारी बढ़ी तो ये जल जाएंगे, इसलिए हमें हीट लो रखनी है। ये देखिए हमारे मसाले भुन गए हैं, तो अब इसमें हम अपना जो हमने स्मूथ पेस्ट बनाकर तैयार रखा था वो डाल देंगे। मिक्स कर लेते हैं इसे मसालों के साथ अच्छे से। ये देखिए अभी ये थोड़ा गाढ़ा दिख रहा है। आप इसमें अपने हिसाब से पानी थोड़ा डाल सकते हैं। वैसे तो कोफ्ते की ग्रेवी गाढ़ी होती है, लेकिन थोड़ा सा पानी इसमें डाला जा सकता है। ये देखिए बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट और स्मूथ दिख रहा है ये, हल्की सी शाइन भी आपको दिख रही है इसमें। अब हम इसमें डालेंगे मलाई, आप क्रीम भी डाल सकते हैं, मैंने यहाँ घर की मलाई यूज़ की है। मिक्स करेंगे इसे। मलाई या क्रीम डालने से ये और ज़्यादा क्रीमी और एकदम स्मूथ हो जाता है, जो कि पनीर कोफ्ते या मलाई कोफ्ते के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है। नमक डाल देंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग, शक्कर डाल देंगे, मिक्स कर लेते हैं इसे भी। चला देते हैं इसे और इसे कवर करके एक बॉयल आने तक पका लेंगे। ये देखिए हमारी ग्रेवी में बॉयल आ गया है, तो इसे मिक्स करके एक बार हम हीट बंद कर देंगे और ठंडा होने देंगे। ये देखिए हमारी ग्रेवी बिल्कुल तैयार है। अब हम प्लेटिंग कर लेते हैं। टेक्सचर बहुत ही अच्छा आया है ग्रेवी का। प्लेटिंग करने के लिए आप कोफ्तों को सबसे पहले प्लेट में डालेंगे। ध्यान रहे कि कभी भी मलाई कोफ्ता बनाएं आप तो कोफ्तों को ग्रेवी में ना डालें। कोफ्तों को अलग से प्लेट में रखें और ग्रेवी उसके ऊपर से डालेंगे, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं, नहीं तो ये टूट जाएंगे। ये देखिए इस तरह से ग्रेवी हम बाद में कोफ्तों के ऊपर डालेंगे। हो सके तो इसे सर्व करने के ठीक पहले करें। ये देखिए हमारी मलाई कोफ्ता बिल्कुल बनकर तैयार है। अब इसे हम गार्निशिंग के लिए क्रीम लगा देते हैं बीच में। कसूरी मेथी डाल देंगे थोड़ा। देखने में बहुत ही अच्छी लग रही है और खाने में भी बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। आप इसे ज़रूर एक बार ट्राई करिए। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और बेल बटन को हिट करना ना भूलें, जिससे कि मेरे नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए।